खुले आसमान के नीचे 15,000 क्विंटल से अधिक पड़ा है गेहूं। सरकार और प्रशासन के सारे दावे जमीनी हकीकत में फेल। छपारा तहसील के चमारी केंद्र का मामला, बारिश के चलते दर्जनों किसानों का सैकड़ों क्विंटल गेहूं हुआ खराब। प्रशासन बेखबर, नोडल अधिकारी भी लापता। जनप्रतिनिधियों नेताओं ने नहीं ली सुध। खरीदी केंद्र में मास्क बांटने के दौरान भाजपाई फोटो सेशन में रहे मग्न। इस वक्त की बड़ी खबर है सिवनी जिले के छपारा तहसील से। जी हां, छपारा तहसील के अंतर्गत चमारी खरीदी केंद्र में अन्नदाता किसानों की मेहनत पर एक के बाद एक मुसीबतों का पहाड़ टूट रहा है। सरकार और प्रशासन के सारे दावे जमीनी खत में फेल होते नजर आ रहे हैं। दरअसल छपारा तहसील क्षेत्र के चमारी खरीदी केंद्र में 15,000 क्विंटल से अधिक गेहूं खुले आसमान के नीचे पड़ा हुआ है। इतना ही नहीं, पिछले दिनों बारिश के दौरान दर्जनों किसानों का सैकड़ों क्विंटल गेहूं भी अंकुरित होकर खराब हो गया है। इसके बावजूद भी अब तक प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने इसकी सुध लेना उचित नहीं समझा और नोडल अधिकारी भी लापता हैं। आपको बता दें कि छपारा तहसील के अंतर्गत छमारी खरीदी केंद्र में खरीदी प्रभारी की लापरवाही के चलते 15,000 क्विंटल से अधिक गेहूं खुले आसमान के नीचे पड़ा हुआ है। क्षेत्र के किसानों ने बताया कि पिछले दिनों बारिश के दौरान दर्जनों किसानों का सैकड़ों क्विंटल गेहूं पूरी तरह खराब हो गया और वे अपने ट्रैक्टरों के माध्यम से खराब गेहूं अपने घर ले जाने के लिए मजबूर हो गए। खरीदी प्रभार की लापरवाही के चलते ना तो समय पर किसानों को गेहूं की खरीद लाई हो रही है और ना ही परिवहन हो रहा है। इतना ही नहीं, इतनी बड़ी मात्रा में किसानों का गेहूं बिना किसी सुरक्षा इंतजाम के खुले आसमान के नीचे पड़ा हुआ है। चमारी गेहूं खरीदी केंद्र में लापरवाही का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब से गेहूं खरीदी प्रारंभ हुए तब से अब तक प्रशासन का कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा है। यही नहीं, यहां के नोडल अधिकारी भी लापता बताए जा रहे हैं। कुछ दिनों पहले चमारी मंडल के भाजपा नेता खरीदी केंद्र में पहुंचे और वहां किसानों को मास्क वितरण किया, लेकिन फोटो सेशन के चलते भाजपाइयों ने अन्नदाता किसानों की सुध लेना भी उचित नहीं समझा। क्षेत्र के बड़े बड़े नेता और जनप्रतिनिधि भी खुले आसमान के नीचे हजारों क्विंटल गेहूं के मामले में चुप्पी साधे बैठे हैं। MP24 न्यूज के लिए अश्वनी मिश्रा की रिपोर्ट। इस सरकार की लापरवाही उजागर होती है। इस सरकार ने SMS दे दी है तो उसके हिसाब से यहाँ की व्यवस्थाएं देखना था। समय दिन हो गए मैसेज आया और डाले 25-30 दिन हो गए। ये पानी गिर रहा है तो पानी में पूरा भीगते भीगते चला। हम लोग यहाँ 15-20 दिन हो गए यहाँ पर माल लेकर के पड़े हुए हैं और शासन प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि ये जल्दी से जल्दी यहाँ से माल तुलाया जाए, उठाया जाए, क्योंकि यहाँ व्यवस्थाएं नहीं है। इसलिए शासन से, प्रशासन से, महोदयों से, अधिकारियों से, कलेक्टर साहब से हम आवेदन करते हैं, निवेदन करते हैं कि जल्दी से जल्दी किसान को मुक्त कराएं। यहाँ बहुत समस्याओं का कारण बना हुआ है, बेमौसम की बारिशें हैं, बहुत परेशानी के आलम में हम लोग दाना बचाए हुए हैं।